Lights, camera, cook. Assalamu alaikum, Ramzan Mubarak, and welcome to yet another fun-filled episode of Star Iftar with Sarmad Khoosat Janab. Aapke liye aaj main banaunga Thai khana. Mirchila sa, tikha sa, aur uske saath janab kuch maze ka thanda thanda bhi banane ki koshish karenge. Lekin aaj jo mere mehman yahan pe maujood hain, mirchile, bhadkile, talent ka ek tufaan hai. Films ki baat karein, television ki baat karein, janab, he's a superstar in both the fields. Lekin ek kaam, जो इन सब कामों से बहुत बड़ा नया इन्होंने अभी कुछ अरसे से एक इनिशिएटिव शुरू किया, नॉट अ फॉर्मल इनिशिएटिव लेकिन अपने तौर पे जो कुछ ये कर रहे हैं जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उसके बारे में खास तौर पे आज बात करेंगे. वेरी वेरी डियर फ्रेंड अहसन खान. बहुत ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन था यार. आपसे कम टैलेंटेड हूँ बट यूर लाइक सुपर सुपर मेगा टैलेंटेड. व्हाट यू आर डूइंग अहसन राइट नाउ आई एम टोटली इंस्पायर्ड. वो कहते हैं ना कि आप जब आपकी नीयत अच्छी हो अगर आप सोचते रहे कुछ करने के लिए तो वो फिर चीज़ें उस तरह से प्लान हो जाती हैं. इट जस्ट हैपेंड. एहसन आई कम्प्लीटली बिलीव इन दैट कि जब नीयत सच्ची होती है तो रास्ते खुद ब खुद निकलते आते हैं. इसके ऊपर मजीद बात करूंगा ताकि लोगों को भी पता चले. सब वही एक्टिंग भी करते हैं, डांस बहुत अच्छा करते हैं जनाब अहसन, होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो आज मैं जरूर चेक करना चाहूंगा किचन में क्या हालात हैं. उससे पहले क्विकली इंग्रेडिएंट्स बता दूं जी आप सबको. आज हम बनाएंगे थाई ग्रीन करी चिकन, उसके साथ एक साइड बनाऊंगा जो मेरी अपनी जाती ईजाद की हुई एक डिश है जिसमें आलू और ये वाले ग्रीन बीन्स इस्तेमाल होंगे. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. और ग्रीन चिली की और ग्रीन करी की जो पेस्ट है वो मैं खुद बनाऊंगा. आप उसको वैसे तो वो बॉटल्ड उसमें भी मिल जाती है, बाजार से आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रिजर्वेटिव जरा ज्यादा होता है. तो मैं आज चाहूंगा कि जो मैंने खुद से प्रैक्टिस किया है सो ग्रीन करी पेस्ट भी बनाएंगे, उसको हम चिकन के अंदर मिक्स करेंगे और चिकन के साथ एक डिश बनाएंगे. थाई ग्रीन करी पेस्ट के लिए जनाब आपको चाहिए जीरा तकरीबन 1.5 टीस्पून और साथ में चाहिए ये सूखा धनिया कोरिएंडर ये कोई 1 टीस्पून और इसको मैं करूंगा टोस्ट. बट ऐसा अब आपको लगता है वैसे कि पिछले कुछ 2-3 साल में फिर दोबारा से हम कॉन्शियस हो गए हैं कि अब कहानियाँ ज़रा कुछ ऐसी सुनाई जाए विच मैटर. बिल्कुल सही है. हाँ? होना भी चाहिए. और सर मत आई फील पीपल हु आर यू नो लाइक इन सर्टन पोजिशन इन दिस फील्ड जैसे आप भी हैं उसमें और बहुत से एक्टर्स भी हैं और बहुत से कुछ और डायरेक्टर्स हैं. अगर ये सब लोग नहीं करेंगे ना मुख्तलिफ तरह का काम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर हम लोग ग्रो तो कर ही नहीं सकते. हम उसी एक फंसे रहेंगे वो टिपिकल जो सास बहू एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. सो आई एम ग्लैड दैट लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड इट्स हैपनिंग and I think ये कोशिश जारी रहनी चाहिए. Absolutely जी. अच्छा नमक कौन सा यूज़ कर रहे हैं? Sea salt exactly. अच्छा जी. So ऐसे इसमें मैंने डाली हरी मिर्चें. अच्छा मैंने इसमें डाला थोड़ा सा लीमू का जूस और अदरक भी डाला. लहसुन है जनाब छिला हुआ. ये जो टोस्ट किया था जीरा और सूखा धनिया था. नमक अभी डाल. ये तो बड़ी हेल्दी चीज कुछ बन गई. हेल्दी पेस्ट है. अच्छा जी थोड़ी सी इसमें ये पेपरकॉर्न्स डालेंगी. मैं मिक्स्ड वाली डालता हूँ और बहुत थोड़ा सा इसमें जाएगा थोड़ा सा ब्राउन शुगर जाएगा और जनाब फिर इसमें जाएगा ऑलिव ऑयल थोड़ा सा कोई तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून आप समझ लें. तो जनाब फिश सॉस जो है वो भी अगेन इसका एक इंग्रेडिएंट है बड़ा इंपॉर्टेंट सा. अच्छा मुझे चूंकि फिश से एलर्जी है तो मैं आमतौर पर यूज नहीं करता मगर आप फिश सॉस इसमें थोड़ी सी डालेंगे जनाब फॉर सम फ्लेवर और वो बड़ा इंपॉर्टेंट फ्लेवर है उसका. सो ये जनाब 1.5 टेबल स्पून ओके ओके जी. और इसको हम बिस-बिस करेंगे. जितनी देर मैं बिस-बिस कर रहा हूँ और किचन में मेरे हो रही है गर्मी आप जरा एक जुपक के बाद वापस आइए. हाँ जी ऐसा उस बिस-बिस के दौरान में एक और चीज़ हम ऐड करेंगे. अच्छा, वो है अच्छा जी धनिया. अच्छा चूंकि जो थाईलैंड में अपने उनके कुछ देसी जो वहाँ के उगने वाले चीज़ें नहीं डालते थे सो वो डालते हैं बेसिकली. सो ये बीच में एक और चीज़ होती है जिसको लेमन ग्रास कहते हैं यहाँ पे भी उगती है. और एक और चीज़ होती है जनाब इसको कहते हैं काफीर लाइम लीव्स.
ये भी वो ताज़े इस्तेमाल करते हैं. अच्छा ये भी अगर मैंने इस वक्त इसमें ग्राइंड कर दिया साथ तो ये भी मोटा मोटा मुंह में आएगा. तो ये भी एंड में डालूंगा, ये भी मैं एंड में डालूंगा, ये मैं करी के तो प्रो है मैं, मास्टर मास्टर शेफ हूं ये तो. ये थोड़ा सा इसमें जा रहा है जी ग्रीन वाला हमारा जो देसी धनिया होता है. एहसन अगर आप एक खूबरू अदाकार और एक माशाल्लाह सक्सेसफुल इंसान ना होते और कोई खाने पीने की चीज़ होते तो आप क्या होते? ये एक सवाल मुश्किल सब दोस्तों से करता हूँ. थोड़ा बिज़नेस करते हैं जनाब, उसी देर में एहसन को सोचने का टाइम देते हैं. जी एहसन, पता नहीं, I would like to become a fish, you know, like मछली. या ओके, फ्रीली यू नो इन द वाटर एंड देन घूमती फिरती. और कोई खास मछली जो आप शौक से ज्यादा खाते हो? जो अच्छी बनी हो वो मिल जाए खा सकते हैं. ओके ओके, सो एहसन यहाँ पे अब ये मेरे पास बन गया जी ग्रीन जो थाई करी पेस्ट होता है. ओके ठीक है जी, इसको मैं साइड पे रख दूंगा और मैं अब शुरू करूंगा बाकी के तमाम जो तजर्बात हैं. ओह वेरी नाइस, राइट, स्मेल इट, बहुत तेज अदरक और लहसुन. अच्छा ये थोड़ा सा जो हम लोग वो चटनी नहीं बनाते एक देसी वाली, पुदीने की चटनी, यू आर राइट, यू आर राइट, कलर उस तरह की, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा लहसुन, बिल्कुल, क्योंकि लहसुन उसमें भी है, उसमें भी था, ठीक, थोड़ा सा लहसुन, बिल्कुल जरा सा. अच्छा ये भी मेरा वो जो है क्या कहना चाहिए पाकिस्तानी वहम है जिसकी वजह से मैं इसको ज्यादा, अदरवाइज तो ये सिर्फ सॉस में पकता है. ओके लेकिन मैं थोड़ा सा लहसुन डाल के चिकन को जरा, क्योंकि चिकन कच्चा जो है वो, दैट्स अ बैड थिंग, बिल्कुल सही है. अच्छा एहसन अब आपके असल काम की तरफ मैं आऊँगा. अदाकारी तो आपका असल काम है, जो असल काम आप करें, दीवार मेहरबानी और ये जो एक इनिशिएटिव जिसमें बहुत से यंग बच्चे भी शामिल हो गए हैं, बट व्हाट इज़ इट अबाउट? आई वांट कि आप लोगों को प्रॉपरली आज सिर्फ ये बताएं कि इस तरह के काम को ऑर्गेनाइज करना क्यों जरूरी है. घर में बड़ा इजी होता है कि यार ये पैसे निकाले और किसी गरीब को दे दिए, कोई लेने आ गया, किसी को राशन ले दिया, कोई आ गया किसी के लिए. पर व्हेन यू गो आउट, अच्छा ये आप क्या डाल रहे हैं? अब खुशबू के लिए लेमन जबरदस्त, ये डाल रहे हैं अभी. अच्छा, बीच में अभी. अच्छा फिर जब आप बाहर निकल के किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो सबसे मुझे लगता है एफर्ट वाला जो काम है ना वो आपको करना चाहिए. एंड यू हैव टू लुक फॉर नीडी पीपल एंड यू नो डू सच थिंग्स. ये आपने क्या डाला अभी? ये वो काफी लाइम. ओके, क्योंकि अगर ताज़ा होता तो हम अलहदा से भी डाल सकते थे, बल्कि जरा सा अब जैसा हमारे खाने में कड़ी पत्ता भी इस्तेमाल होता है. Some smell. अच्छा. Okay, so coming back to that दीवारे मेहरबानी, वो ईरानी एक वीडियो मैंने देखा था सरमा, तो I thought के पाकिस्तान में क्यों नहीं कोई कर रहा. And I kept कुछ दिन वेट भी करता रहा कि कहीं नजर आएगा सोशल मीडिया पे somebody is copying. Nobody did it, so I thought के चलो मैं करता हूँ. तो एक दिन मैंने कि एक दीवार है, एक पेंटर उठाया और अपने दो तीन दोस्तों को फोन किया और हम लोग चले गए और एक दीवार जहाँ पे लिखा होता ना कि आमिल नजूमी और राबता करें और अपना हाथ दिखाएं और पामिस्ट लोगों के वो लगे होते ना, मैंने उस पे पेंट कराया, उस पे दीवारे मेहरबान लिखवाया, उस पे कील ठुकवाए, हैंगर्स ठुकवाए. एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड्स एंड ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत सारे कपड़े और जो घरों की चीजें होती सामान वो जमा होना शुरू हो गया. एंड देन पीपल स्टार्टेड कमिंग एंड पिकिंग दोज क्लोथ्स एंड स्टफ अप एंड अपनी मर्जी से लोग छोड़ते गए. उसके बाद फिर एक चेन शुरू हुआ कराची में, हर एक ने किया वो. फिर मैं वेट करता रहा कि लाहौर में हुआ, मुझे पता लगा लाहौर में हो गया. आई कॉल्ड सम बड़ी अपन इस्लामाबाद, पता चला इस्लामाबाद पे रोकूंगा. या और जनाब जब चिकन का थोड़ा सा आपको लगे कि वो बस उसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, जब वो थोड़ा सा पक जाए तो ये जो जितनी आपने पेस्ट बनाई थी. अच्छा इसका भी आप पे डिपेंड करता है, सम पीपल फॉलो लाइक अ वेरी स्पेसिफिक क्वान्टिटी. आप जितनी मेरे हिसाब से, ये मैंने अपने 400 ग्राम चिकन के लिए ही बनाई थी, तो ये सारी सॉस इसमें जाएगी. ओके अच्छा तो इस्लामाबाद पहुंचे जी? नहीं, फिर इस्लामाबाद भी बन चुकी थी. एंड देन आई हैड दीज स्टूडेंट्स हु गॉट इन टच विद मी फ्रॉम गुजरांवाला. ओके फिर आई अरेंज्ड यू नो फंड्स फॉर देम फॉर मेकिंग दैट दीवार, वो यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने बनाया. तो वो चलते चलते काफी एक पॉपुलर चीज हो गई. एंड देन अभी रिसेंटली बाजार मेहरबानी हम लोगों ने लगाया, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है JDC के नाम से, JDC. सो देन वी अरेंज द बाजार एंड सरमद दैट वाज लाइक अनबिलीवेबल. आई मीन आपको मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा, शेयर करूंगा, वो बियॉन्ड, मुझे यकीन नहीं आया कि ये हो गया है. तकरीबन 150 स्टूडेंट्स थे कॉलेज के जिन्होंने दालें पैक की, चावल पैक किए और हमने टेलीविजन और दुल्हनों के कपड़े और ये जो फर्नीचर होता है और आटा और सब कुछ जमा किया. तो लोगों ने इनको कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था इन चीजों को? स्पॉन्सर्स भी थे जैसे
कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने दे दिए कि हमारी तरफ से 150 बोरी आप ले जाएं चावल की, और कुछ जेडीसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है, कुछ हमारे दोस्त मिलजुल के हम सब ने कंट्रीब्यूट किया. वी हायर्ड एक्सपो सेंटर कराची एंड वी लाइक सेट इट अप एज अ बाजार. ओके, इन अ वेरी वी ट्राइड आवर बेस्ट कि बड़ा डिसेंट वे में सारा कुछ हो जाए, तो बड़ा अच्छा गया. तो ये चीजें फिर करके आपको बड़ा मजा भी आता है यार, साथ साथ ये अगर आप करते रहें. कोकोनट मिल्क, ओह यस, अच्छा जी, कोकोनट मिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स. तो जनाब ये जब आपको लगे, मैं चमचा अपना बार बार पीछे छोड़ा, जब खुशबू अच्छी आए और आपको लगे भुन गया है, भुन गया है, जब मसाले का जिसको पंजाबी में एक लफ्ज होता है उसको कहते हैं कचैन, कचैन जब भर जाती है, तो फिर आपने इसके अंदर जनाब ये कोकोनट मिल्क. अब ये भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना पसंद करते हैं जनाब. अब इसको जब आपने देख लिया कि थोड़ा थोड़ा पानी उसका बुलबुले आने शुरू हो गए, तो अब आपने उसको थोड़ी देर के लिए बस ढकना है और हल्की आंच पे छोड़ देना है. बेसिकली जितनी खास तौर पे ये जो फार ईस्ट वाली कुकिंग है वो तेज आंच पे और जल्दी जल्दी होती है, स्टर फ्राई, लाइक यू डोंट गिव इट अ लॉट ऑफ टाइम. ओके, अच्छा जी, ऐसा यहाँ पे मुझे आपकी थोड़ी सी मदद दरकार होगी. बिल्कुल, क्या कुछ उठाना है वजनी चीज? नहीं नहीं, आज आलू काटने, आलू काटने, आलू. अच्छा ये उबले हुए हैं, साथ में इनको क्या करना है, बेसिकली ये एंड दिस, बस इस साइज के मुझे चाहिए. तो जनाब ये आलू स्किन कर लिए हैं हमने और उबाल लिए हुए हैं, ऐसे ने इसको मुझे काट के दें. ये बताएं कि इसका बना क्या रहे हैं आप? अच्छा जी, इसका एक वही, आप इसके साथ चावल भी खा सकते हैं इस डिश के, लेकिन एक हेल्थी चॉइस है ये, क्योंकि इसको उबालते हैं तो स्टार्च निकल जाता है. सही काटे मैंने, बिल्कुल एक्सेलेंट. और इसके साथ में ये ग्रीन वाले बीन्स जो है, इनको भी थोड़े से पानी, नमक और चीनी, थोड़ी सी चीनी डाल के इसको बॉईल कर लिया है ताकि ये ग्रीन रहे और चमकदार रहे. तो इसको भी हम एक क्विक सा ऐसे बस स्टर फ्राई करेंगे. अच्छा ऐसा एक और सवाल मैं अपने दोस्तों से ज़रूर करता हूँ, वो ये है कि अगर आपको पता चले कि आप एक और सैयारे पे भेजे जा रहे हैं और जाने से पहले कोई एक ऐसी डिश जो एहसन कहें कि जी ये खाए बगैर तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, जनाब तीखा करने के लिए थोड़ी सी हरी मिर्च इस पॉइंट पर और जाएगी बीच में. सरमद कौन से सैयारे में भेज रहे हैं? मार्स भेज रहा हूँ जी मैं आपको. अच्छा, और कुछ खा के जाना है? कुछ खा के जाना है, जरूरी है खाना. हाँ भाई, I guess, I'll guess I'll have sushi. Sushi? And I'll take some as well, yeah. साथ जेब में भर के ना सुशी साथ लेके जाऊँगा. अच्छा वो हाँ वो रह भी सकती. अच्छा जी ये एक और चीज़ है सुन, सूंगे. और इसको कई दफा मैं प्रोग्राम में बता चुका हूँ गोके, लेकिन फिर बताता हूँ, इसको हम बड़े प्यार से लाहौर में तो न्याजबो कहते हैं, न्याजबो, और इसको तुलसी भी कहते हैं. अच्छा तुलसी, तुलसी के तो बहुत फायदे होते हैं ना. बिल्कुल बिल्कुल, इसके भी बहुत फायदे, इसका कहवा पिए आप, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है. बिल्कुल, आपको लगा कि मैं एक कुकिंग शो पे टोटके बताने वाला शेफ बन गया. इसको थोड़ी देर के लिए बस जनाब हम जरा सा और पत्तों के साथ, ये कट गए हैं यार काफी जबरदस्त ऐसे. सो इसकी तरफ भी आते हैं जनाब, जो एक क्विक स्टर फ्राई मैं साथ करने लगा हूं, उस स्टर फ्राई का एक शुरू करते हैं एहतमाम और एहसन करेंगे एक अपने खास किसी दोस्त का या अपने किसी चाहने वाले का या घर वाले का किसी का शुक्रिया, जिसने आपके लिए या तो कोई बहुत मेमोरेबल मील पकाया हो कभी, या उसने इतने अरसे तक पकाया है कि बराहे रास्त आज आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे. आई वुड ओनली लाइक टू थैंक माई पेरेंट्स. हाँ बड़े इमोशनल सी बात है. माई मदर शी इज़ ऑलवेज, यू नो हर एक को ये लगता है कि जो उनकी जब माँ बाप होते हैं ना, वो जो खाना प्रोवाइड करते हैं उससे अच्छा खाना दुनिया में कहीं नहीं मिलता. वो सारी ज़िंदगी आप उस टेस्ट को ढूंढते भी रहते हैं अगर घर में आपको अच्छा खाना मिल रहा हो. तो वेन एवर आई हैव फूड जो कि अम्मी ने पकाया होता, तो हाँ. वो फिर उस जैसा लगता है कि दुनिया में कहीं खाना नहीं. तो आई जस्ट लाइक टू थैंक हर ऑफ कोर्स. ऐसा ये आलू कहाँ जाएंगे? आलू जाएंगे जनाब. लहसुन डाल रहा हूँ, थोड़ा सा ऑयल डाला पैन में, बिल्कुल थोड़ा सा लहसुन जायके के लिए. और नहीं ये सॉरी ये बना के रहे आलू और ये आलू और बीन्स का एक मलगूजा. ओके, थाई स्टाइल. तो माय नहीं दिस व्हाट डू यू ईट इट विद, लाइक सो करी के साथ. सो उस करी के साथ आप चावल भी खाएंगे और अगर आपका दिल चाहे तो आप इसको एज अ साइड. यार ये कब खुलेगा रोजा जल्दी से जनाब आली. सो इसमें इसी तरह खुशबू के लिए बहुत थोड़ा सा डालूंगा मैं जीरा, मुन्ना सा जीरा जाएगा. खुशबू और टेस्ट के लिए ही जनाब इसमें कुछ चिली चॉप करके डाल दूंगा मैं. ऐसे ना आप इसमें आलू डाल सकते हैं. बेगम खुश हो रही होंगी कि वो आज काम इसको भी करना पड़ेगा जो घर में नहीं मैं करवा सकी वो आज बाहर हो रहा है. एसन फिल्म्स
Janab, yeah, yeah. Aapka, so you began with films? Well, almost. Yeah, TV almost. And film together. Ikatha hi tha, yeah. Right? और फिर अब सिनेमा का रिवाइवल दोबारा हुआ है। I'm working on two films. एक फिल्म तो मेरी कंप्लीट होगी ऑलमोस्ट। और प्रोड्यूस भी कर रहे हैं आप? प्रोड्यूस, या I'm planning वो शायद जनवरी में I'm starting। ओके। लेकिन दिस ईयर, I mean I almost completed one। नाम है छुपन छुपन। छुपन छुपन। Yeah, that's a, like it's like on a comedy of error. Okay. Type, उस तरह की एक कॉमिक चीज है, बहुत मजे की चीज बन रही है। तो ऐसे और बताएं फिल्म के बारे में। उसके अलावा एक और भी कर रहा हूँ। उसमें तो it's like वो ऐसी कॉमेडी है कि उसमें तो इट्स गैंग ऑफ बॉयज टुगेदर, लाइक फोर बॉयज टुगेदर, ठीक है, एंड देन वी हैव दीज हमारे तरस हुसैन साहब हैं, जावेद शेख हैं, रेहान शेख हैं, अदनान जाफर हैं, सकीना समो हैं, और ह्यूज कास्ट, खालिद अहमद साहब हैं, अरशद महमूद साहब हैं, अच्छा, जितने भी सीनियर्स हैं ये सारे उनमें का, और यंग लड़कों में जो एज एन यंग यू नो तो एक तो हो गए एक तो मैं हो गया मैं, लेकिन इसके अलावा तीन जो और हैं। अच्छा ऐसे अब इसमें जाएगी ऑयस्टर सॉस, अंदाजा जी, थोड़ी सी ऑयस्टर सॉस एंड अ क्विक स्टर, और ऑयस्टर सॉस इज अ वेरी स्ट्रांग फ्लेवर, थोड़ा सा जाएगा जना, या दिस स्मेल्स नाइस, ये थोड़ा सा हाँ, लेकिन अब जो गर्मी से मेरा जुलूस निकल चुका है जनाब, इसको बहुत क्विक आपने सिर्फ स्टर फ्राई करना है, और उसके बाद मैं इसको करने लगा हूँ बंद, और मैं इसको दूंगा ढक, और थोड़ी देर हम यहां पे कुछ चीजें समेटेंगे और मिलते हैं एक जुपुक के बाद। और यार इतनी जल्दी, मैं तो आई स्वेयर मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये भी टैलेंट सरमद साहब में मौजूद है। ये चावल पहले से उबले हुए थे। अच्छा, और ये ग्रेप फ्रूट का जूस अभी ताजा आपके लिए निकाला, क्योंकि रोज मैं आमतौर पे कोई एक जरा एग्जॉटिक किस्म का ड्रिंक बनाता हूँ, बट आई थॉट चूंकि खाना इतना ऑलरेडी फ्लेवर उसमें ज्यादा है, सो वी जस्ट गोइंग फॉर अ सिंपल ग्रेप फ्रूट जूस। हेल्थी चॉइसेस वही बात, अब जैसा इसमें बहुत थोड़ा सा आपने देखा ऑयल आपके हाँ, सामने मैंने हाँ, कितना यूज किया। सेकंडली इसको कोकोनट ऑयल में भी आप पका, एग्जैक्ट मैं यही कहने लगा था कि आई मेक श्योर कि माय फूड इज कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल आपके कोकोनट ऑयल कन्वर्ट हो चुके हैं, बल्कि लोगों को बताइए कि व्हाट इज द डील विद कोकोनट ऑयल। ऑफ कोर्स ये जो दूसरा ऑयल है सरमद, ये तो सारा प्रोसेस्ड फूड है यार, प्रोसेस्ड ऑयल, राइट। आई मीन हम लोग समझते हैं वो मना किया पहले पूरा कि जी घी यूज नहीं करना, मुझे I feel कि देसी घी यूज़ कर लें वो इस तेल से ज़्यादा बेहतर है। मैं तो I try to avoid things full of preservatives and जितनी भी ये जो shelf life के लिए उनकी वो बढ़ा देते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो ये पैकेट्स और डब्बों वाली चीज़ें, इन चीज़ों से अवॉइड ही करना चाहिए। सो नेचुरल चीज़ें आपको मिलती हैं, थोड़ी सी मेहनत शायद ज़्यादा है। टंटड़ा जनाब, हमारे पास एहसन के लिए मैंने आज थाई खाना जो बनाया वो यहाँ पे मौजूद है विद फ्रेश ग्रेपफ्रूट। थैंक यू वेरी मच, एंड आई फील कि लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा, आपने खाना बनाया, सीख भी गए होंगे। थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग अस इन सब सालों में, पहले अपनी अदाकारी से और अब दीवारे मेहरबानी से। और मैं फिर एक दफ़ा इस बात की तशहीर इसलिए करना चाहूँगा कि एक दूसरे के लिए कोई ऐसा काम करना जिसमें मेहरबानी और रहम शामिल हो, ये कोई एहसान नहीं है, ये इंसान होने का एक बुनियादी तकाजा है। बिल्कुल और सही, इस चीज को जो लोग जिंदा रखते हैं वो मेरे हीरोज हैं। थैंक यू, आई फील सरमद के ये जो एक आदत होती है ना कि अच्छाई करने वाली, हाँ, ये एक हमारे अंदर इन बिल्ट है, बिल्कुल, और होनी चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए, करते रहना चाहिए। और मेरा ख्याल है बुराई करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, अच्छाई करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं करना पड़ता। सही है, छोटा सा हमारी तरफ से नोट ऑफ थैंक्स जनाब, ओह लवली, फॉर एहसन एंड मिसेस एहसन खान एंड द बच्चा पार्टी। रोजों में ये कुछ ऑर्गेनिक अनप्रोसेस्ड चीजें हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, प्लेजर बीइंग हियर एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपसे फिर मुलाकात होगी जनाब कल स्टार इफ्तार विद सरमद खूसट में, एक और दोस्त और कुछ नए और खाने। खुदा हाफिज।